यूपी टेट बैच के आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसे कि आपसे बात हुआ था, तालाब हम लोगों का हुआ था कि कैलेंडर आपके उस पोर्शन में आता है ना, तो कैलेंडर और क्लॉक के कुछ हिस्से आपको पढ़ने हैं, तो मैं उस कैलेंडर के भाग को लेके आपसे जो वादा किया था उस वादे के तहत आपके समक्ष उपस्थित हूं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी शामिल हैं। एनटीपीसी के भी कुछ बच्चे हैं इसमें जो शामिल हैं इस बैच में। मैंने लिंक भिजवाया है आपके बैच में भी, है ना। तो आप भी लोग भी जो एनटीपीसी बैच के सभी सदस्यों को मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के लिए भी कैलेंडर समान रूप से उपयोगी है क्योंकि 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सभी बड़े छोटे भाई बहन एक साथ मिलकर इसको पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों का इसमें फायदा हो। और मैं इस कैलेंडर की शुरुआत करता हूं। बहुत सारे लोग एक साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं सबके अलग अलग नाम नहीं ले पाऊंगा, ये लाइव क्लास है। फिर भी कुछ सदस्यों का मैं नाम लेके अभिनंदन करता हूं, जहां पर जैसे शास्त्रिक श्रीवास्तव जी, तारका सचान जी, सैफाली जी, सियाराम जी, रियाजा अजहर जी, साबिर अली जी, लक्ष्मी त्रिपाठी जी, अक्षत जी, प्रीति पांडे जी, ऋचा सिंह जी, अरुण भाई जी, नीरज सिंह जी। चलिए, आप सभी जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का मैं जो है एक बार फिर पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए, कैलेंडर एक महत्वपूर्ण पक्ष है, कैलेंडर साधन है, कैलेंडर हम डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, है ना। बिना कैलेंडर के हमारी गणना है, हमारे टाइम टेबल, हमारी यात्रा के कार्यक्रम हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो एक व्यवहारिक पक्ष है हमारे जीवन का कैलेंडर और क्लॉक, एक ऐसी एसेसरी जिनको हम डेली यूज करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे कैलेंडर पूछा जाता है रीजनिंग के हिस्से में, मैथ के हिस्से में, क्योंकि कैलेंडर आपके लिए समान रूप से उपयोगी होता है, जागरूक होता है। मैं बहुत कम समय और बहुत कम क्लासेज में बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको कैलेंडर पढ़ाऊं और जिससे कैलेंडर के आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो। आइए शुरुआत करते हैं हम इस हिस्से की, कैलेंडर से आज की कैलकुलेशन की हम शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक कैलेंडर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये कैलेंडर में जो प्रश्न बनने की प्रवृत्ति आपकी होती है वो कहां से होती है ना। तो पहला जो टॉपिक होता है वो आपका होता है दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी की गणना। दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी की गणना से संबंधित प्रश्न जो आपका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो आपका होता है, जिसको आप कहते हैं कैलेंडर में समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। तीसरा जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने महीने। चौथा जो हिस्सा होता है कैलेंडर का, इसको हम कहते हैं काल्पनिक तिथियां, इमेजिनरी डेट्स, काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां। ये चौथा हिस्सा आपके कैलेंडर का होता है। पांचवा जो हिस्सा हमारे कैलेंडर का होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न, अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न। पांच भागों में हम कैलेंडर को बांट के पढ़ते हैं और अगर हम इस पांच भाग को पढ़ लेंगे तो फिर कैलेंडर का कोई भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं हो सकता, है ना। एक बेसिक कैलकुलेशन के साथ हमें पांच टाइप से इस कैलेंडर को क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है? हाँ। दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी, समान वर्ष वाले वर्ष, समान महीने वाले महीने, काल्पनिक तिथियां, प्रथम एवं अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न। सबसे लास्ट जो आपकी कक्षा होगी 6, उसमें मैं पूरे कैलेंडर का ऐतिहासिक महत्व आपको बताऊंगा कि पोप ग्रेगरी साहब ने जब इस कैलेंडर को बनाया कैसे लीप वर्ष आए और इसका ऐतिहासिक महत्व आपका क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कैलेंडर की सबसे लास्ट जो थ्योरी की क्लास होगी उसको मैं ब्रीफ करूंगा पूरे कैलेंडर को कि कैसे आपके यहाँ पे जो है नोट्स आपके बनते हैं। क्लियर? चलिए, आप लोग पर्सनल कन्वर्सेशन करके अपना समय जाया ना करें, है ना, कृपया फोकस करें और हम लोग कैलेंडर की कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले हमें इसको देखना है। इससे पहले कैलेंडर की तारीख जो हमारी होती है उस तारीख के बारे में हमें कैलकुलेशन के लिए आवश्यक और अनिवार्य चीजों को सीखना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई तारीख लिखूं, मैं लिखूं 20 दिसंबर, समझिएगा 2017, सब पूछ करिए मैंने एक तारीख लिखी। अगर मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न यहां पर करूं
क्लियर, किस तारीख में आप कैलेंडर के कितने पक्षों को देखते हैं, या एक तारीख में कैलेंडर की कितनी इकाइयां होती हैं, या एक तारीख की कितनी इकाइयों को हम कैलेंडर में देखते हैं। कुछ बेसिक कैलकुलेशन से यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, क्लियर। हाँ आइए, अब यहां पे जब हम देखते हैं तो जो सबसे पहली इकाई कैलेंडर की होती है ये, इसको हम दो नामों से जानते हैं, इसको या तो हम कहते हैं डेट या तो हम कहते हैं डे। हिंदी में हम कहें तो या तो हम कहेंगे दिन या तो हम कहेंगे तारीख, जो पहली इकाई होती है। क्यों कहेंगे दिन और तारीख, क्योंकि अगर मैं कहूं कि दिसंबर माह का 20वां दिन या दिसंबर माह की 20वीं तारीख, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि दिसंबर माह का 20वां दिन या दिसंबर माह की 20वीं तारीख, तो इसमें कोई भी अंतर आपका नहीं है, क्लियर। दूसरा, आप जैसे जो दूसरी यूनिट होती है इसको हम कहते हैं मंथ, आप सभी लोग जानते हैं, क्लियर। महीने को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, महीने को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इसको अंकिक मान में, न्यूमेरिक वैल्यू में व्यक्त करते हैं, जो एक से लेके 12 तक होती है। पेशेंस रखिएगा, जैसे या तो हम दिसंबर लिख दें या तो हम 12वां महीना लिख दें, क्लियर। तो एक तो हम न्यूमेरिक वैल्यू में व्यक्त करते हैं, जो कहां होती है, एक से लेके 12 तक होती है। दूसरा जो यहां पे होता है दिसंबर का, जो दूसरा मामला होता है, उसको हम नाम से व्यक्त करते हैं, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है। जैसे आपने दिसंबर लिखा है, तो मंथ को व्यक्त करने के दो तरीके हैं आसनतम। एक तो हम आंकिक मान में मंथ को व्यक्त करते हैं, और दूसरा हम क्या है, नाम से मंथ को व्यक्त करते हैं। तीसरा, ये जो है 2017, इसमें हम, इस वाली डिजिट्स में हम तीन यूनिट्स को देखते हैं, हम तीन इकाइयों को छांटते हैं। क्या क्या, यहां पर सबसे पहले होता है ईयर, फिर आपका होता है लीप ईयर, और फिर आपका होता है सेंचुरी। इस स्ट्रक्चर को आप जितने अच्छे से समझेंगे, यही पूरे कैलेंडर की गणना का आपका आधार है, क्लियर है। आगे पूरा कैलेंडर आपका इसी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, क्या, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। ये जो डिजिट होता है इसमें तीन चीजों को हम लोग छांटते हैं, क्लियर। कौन कौन सा, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। इसके लिए मैं अगला पेज ले लेता हूं, आप यहां देखिए। जैसे मैंने लिखा 2017, इस 2017 में अगर मैंने कहा कि तीन चीजों को हम लेते हैं, तो वो तीन चीजें यहां से हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको देखने की जरूरत है, क्लियर है। आइए कौन से देखिए, पहली चीज आपकी होती है यहां पर ईयर, वर्षों की संख्या। तो 2017 में अगर हम लोग देखें कि वर्षों की संख्या क्या होगी, क्या पूरी संख्या ही वर्षों की संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। यदि हम 2017 में देखें तो जो ईयर्स आपके होते हैं वो ईयर्स की संख्या होती है केवल 17, क्लियर। इसका मतलब है जो ईयर्स होते हैं वो ईयर्स पूरे 2017 नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सेंचुरी का भी मान है और इसमें लीप ईयर्स भी है। तो ईयर्स की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए, है ना, या भी अब हम लोग सवालों को आज में यूज करेंगे ईयर्स की संख्या, तो ईयर्स की संख्या होती है हमेशा संख्या के बाद के दो अंक। तो ईयर्स की संख्या यहां पर कितनी होगी, 17। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 1947, तो ईयर्स कितने होंगे, 47। जैसे मैं कहूं 1530, तो ईयर कितने होंगे, 30। जैसे मैं कहूं 2001, तो ईयर कितना होगा, 1। जैसे मैं कहूं 1504, तो ईयर कितने होंगे, 4। जैसे मैं कहूं 1900, तो ईयर कितने होंगे, 0। जो भी संख्या के बाद के दो अंक होंगे, हमेशा उन अंकों को हम क्या कहते हैं, बताइए, ईयर्स की संख्या कहते हैं। तो वहां पर ईयर्स की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, संख्या के बाद के दो अंक हो जाते हैं हमारे ईयर्स की संख्या। तो यहां पर अगर मैंने आपसे यहां पर कहा कि बताओ ईयर्स की संख्या इसमें कितनी है, तो यहां पर ईयर्स की संख्या कितनी होगी, 17। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे संख्या के बाद के दो अंक, संख्या के बाद के दो अंक, इसको हम क्या कहते हैं, ईयर्स की संख्या। जहां हम पढ़ रहे हैं वहां पे ईयर्स की संख्या कितनी है, 17। दूसरी बात, लीप ईयर क्या होता है, आप कहते हैं, ध्यान से दीजिएगा कि सर 4 वर्ष में एक लीप ईयर होता है, 4 वर्ष में एक लीप ईयर, 8 वर्ष में 2 लीप ईयर, 12 वर्ष में 3 लीप ईयर, 16 वर्ष में 4 लीप ईयर। अब आप अपनी लाइन ध्यान दीजिए, जो लाइन आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष में 1 लीप ईयर, 8 वर्ष में 2 लीप ईयर,
12 वर्ष में 3 लीप ईयर, वर्ष में लीप ईयर। इसका मतलब जो लीप ईयर का अमाउंट होता है वो कभी भी पूरे नंबर में नहीं होता, बल्कि वर्षों की संख्या में लीप ईयर का अमाउंट आपका होता है। जैसे सपोज करिए, अगर 2017 हमने यहां पे लिखा है तो 2017 में पूरे में लीप ईयर नहीं हो सकता। लीप ईयर की जो संख्या होगी वो 2017 में जब वर्षों की जो संख्या होगी उस संख्या में लीप ईयर हमेशा होता है। देखिए, जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए सरल से क्वेश्चन, जैसे टेट में पूछे जाते हैं आपसे कि 2017 में कितने लीप ईयर हैं, तो अब आप 2017 में 4 का भाग नहीं देते। देखिए, हम लीप ईयर को फाइंड कैसे करते हैं समझ लीजिए। हम जो ईयर्स की संख्या होती है बेटा, ईयर्स की संख्या में हम देते हैं 4 से भाग। हमें यहां पे दो चीजें मिलती हैं, एक तो हमें मिलता है शेषफल और एक हमें मिलता है भागफल। शेषफल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है, जो भागफल होता है वही हमारे लिए क्या होते हैं, लीप ईयर्स की संख्या होती है। और ईयर्स की संख्या हम किसको मानते हैं, संख्या के बाद के दो अंकों को हम क्या मानते हैं बताइए, ईयर्स की संख्या मानते हैं। क्लियर? जैसे अगर 2017 में हमें लीप ईयर निकालना है तो केवल ईयर्स की संख्या में लीप ईयर होंगे, गलती मत करिएगा। अगर आप 2017 में 4 से भाग देके भागफल निकाल लेंगे तो लीप ईयर की संख्या गलत हो जाएगी। तो ईयर्स की संख्या कितनी है, 17। 17 में हमने दिया 4 का भाग, 4 चौक 16, कितना बचा 1। शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, शेषफल से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। लीप ईयर कितने हो गए, 4। जो भागफल है वही हमारे लिए क्या हो गया बताइए, हाँ लीप ईयर हो गया। क्लियर है? आइए अब गौर से यहां पे देखिए, गौर से यहां पे देखिए, जो लीप ईयर की संख्या हमारी है तो अब हम इसके लिए सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं कि ईयर्स की संख्या में हम किससे भाग देते हैं, समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। तो अब इसका अगर हमें यहां पर लिखना है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहां पर इसका, बताओ क्या, कि एयर्स की संख्या में हम किससे भाग देंगे, 4 से। एयर्स की संख्या क्या होती है, संख्या के बाद के दो अंक। यहां पर जो भागफल होगा वही भागफल हमारे लिए क्या होगा, आप कहेंगे सर वही भागफल हमारे लिए लीप ईयर होगा, और इसी लीप ईयर को हम हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं, अधिवर्ष। सेंचुरी का जो मान होता है, गौर से देखिए, वो सेंचुरी का मान होता है, 17 आपने निकाल लिया, जो भी किसी संख्या का 100वां और 1000वां हिस्सा होता है वो हमेशा सेंचुरी का मान होता है, उसको हम सेंचुरी के मान से लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। कैसे, जैसे मान लीजिए 17 है, 2017 में जैसे मान लीजिए जो 2000 हो गया वो हमेशा सेंचुरी का मान हो गया, 1900 हो गया, 1200 हो गया, 700 हो गया, 600 हो गया, 1100 हो गया, जितने भी 100वें और 1000वें हिस्से के लिए जो मान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। 1100, 1200, 1500, 1800 जितने भी, जैसे मैंने कहा 1543 में सेंचुरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1500 होगी, है ना। जैसे मैंने कहा 1955 में सेंचुरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1900 होगी। जैसे मैंने कहा 1630 में सेंचुरी क्या होगी, तो आप कहेंगे 1600 होगी। जो भी आपके हिस्से होते हैं 100वें के और 1000वें के, वो हमेशा आपका क्या होता है बताइए, सेंचुरी का मान होता है। अब अगर हम गौर से यहां पे देखें, तीनों ही चीजों को आपने यहां पे कैलकुलेट किया, हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम यहां पे आए तो अब गौर से देखिए, यहां पर आपने कहा था ये आपका ईयर हो गया, आपने क्लियर कर लिया क्या होता है, लीप ईयर हो गया और सेंचुरी हो गई। अब अगर हम देखें कि एक तारीख की कितनी इकाइयों को हम कैलेंडर में देख पाते हैं या देखते हैं, तो आप कहेंगे एक तारीख की 5 इकाइयों को हम कैलेंडर में देखते हैं और इन्हीं 5 इकाइयों से हम कैलेंडर की गणना करते हैं। कैलेंडर की गणना के लिए इन 5 इकाइयों का होना बिल्कुल जरूरी होता है। सबसे पहले कौन सी इकाई, सबसे पहले की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेट और डे। दूसरी जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मंथ। तीसरी जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, ईयर। चौथी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं लीप ईयर। और पांचवी जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, सेंचुरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कैलेंडर में तारीख की कितनी इकाइयां देखी जा सकती हैं, 5। कौन सी, कितनी इकाइयां, 5। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, दिनांक, डेट या दिन। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सेंचुरी, शताब्दी। तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या है, या तो दिन है या तो तारीख है, और सबसे बड़ी इकाई जो कैलेंडर की है वो बताइए क्या है, तो आप क्या कहेंगे, शताब्दी है। आप बताइए कि यहां तक का मामला आपको क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, बताए, क्लियर है, बताइए, क्या कोई कंफ्यूजन है, बताए।
क्लियर है, पता है? क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। रचित मिश्रा जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ऑलरेडी टेट में बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस चल रही है, 6 तारीख से शेष चीजों की प्रैक्टिस होगी, जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सबकी प्रैक्टिस होगी, है ना। धीरे धीरे काम करिए, एकदम से लोड मत लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी शुरू हो चुकी है और आगे भी होगी। क्लियर है रचित मिश्रा जी, मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया, मैं आपको संबोधित करते हुए समय बात कर रहा हूं, क्लियर। चलिए आइए आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कैलेंडर की जो कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के लिए हमें काफी चीजों को यहां पर ध्यान देना है। जैसे देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं अभी चीजों को आपको यहां पर क्लियर करूंगा। चलिए, सबसे पहले तो हम देखिए 12 महीने लिखते हैं जो कैलेंडर में होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा आपके लिए, है ना। अप्रैल, मई, जून, एक सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, एक मिनट रुकिए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर, ये आपके 12 महीने एक कैलेंडर में होते हैं। क्लियर, आइए अब देखिए, इन 12 महीनों को अगर हमें कुछ कोडिंग करनी है ना, जिस कोडिंग के हिसाब से हम कैलेंडर को पढ़ते हैं, आपको 12 अंकों को याद रखना है, और 12 अंकों के माध्यम से मैं आपको पूरा कैलेंडर सिखा दूंगा। आज से 5000 वर्ष का कैलेंडर आप लोग बनाना सीख जाएंगे, आज से कभी आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी देर बस आप मेरे साथ रहें। कैसे करना है पहले समझ लीजिए, है ना। 144, 025, 036, 146। अब ये देखिए, आप मत पूछिएगा कोड कहां से आया। हाँ, शेषफल प्रमेय से कोड निकालते हैं हम लोग, शेषफल प्रमेय से कोई भी व्यक्ति अपने कोड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका उद्देश्य नहीं है कि कोड कैसे निकाल, आपको ये देखना है सवाल कैसे लगना है ना। तो आप इन 12 संख्याओं को याद रखेंगे, क्लियर है। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से निकलता है, 12 संख्याओं को याद रखेंगे, 144, 025, 036, 146। सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिखा है, फिर ये 5 का स्क्वायर लिखा है, फिर ये 6 का स्क्वायर लिखा है, और बाद के 3 अंक क्या है, 146। इन 12 अंकों को अगर आपने याद कर लिया तो आपका कैलेंडर कभी भी गलत नहीं होगा। ऑपरेट कैसे करना है मैं बताता हूं। तो देखिए, ये जो स्क्वायर्स लिखे हैं, इसका कैलेंडर की गणना से कोई लेना देना नहीं है, ये स्क्वायर्स केवल आपके इसीलिए लिखे गए हैं कि आप केवल इस कैलेंडर की गणना को कनेक्ट कर सके और इन अंकों को याद कर सके, है ना। तो 144, 025, 036, 146, तो यहां पर आप शुरू करेंगे 1, 4, 4, इस कोड को ऐसे देना है ना, 0, 2, 5, है ना, फिर कहेंगे 0, 3, 6, फिर कहेंगे 1, 4, 6, फिर समझ लीजिए 144, 025, 036, 146। हाँ, 144, 025, 036, 146, क्लियर। अब ये जो कोड आपने दे दिया, अब बस आपका काम समझ लीजिए हो गया। अब यहां पर गौर से देखिए क्या क्या देखना है, जो दिन होते हैं, है ना, उन दिनों की संख्या को हम कैसे लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 7 दिन होते हैं कैलेंडर की गणना का, पहला हमेशा आपको संडे मानना है, संडे से शुरुआत करनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि कैलेंडर की गणना का जो पहला दिन होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, संडे, है ना। तो आप अच्छे से अगर पहला दिन याद है तो दूसरा क्या होगा बताओ, मंडे। तीसरा दिन क्या है बताओ आपका, यहां पर तीसरा दिन जो है वो आपका क्या है बताओ, ट्यूजडे। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पहला दिन संडे है। चौथा दिन आपका जो होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। पांचवा दिन जो आपका होगा वो क्या होगा, थर्सडे। छठवां दिन जो आपका होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। और 7 या 0, 2 कोट शनिवार के मैं ले रहा हूं, 7 और 0। 7वां दिन जो होगा वो आपका क्या होगा, सैटरडे। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये 7 और 0 हम लोगों ने क्यों लिया, क्लियर। ये जो बीच में लिखे हैं शेषफल है, ये क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है, संडे मंडे। तो एक से शुरुआत करनी है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्लियर। सेंचुरी जो होती है, सेंचुरी की कैलकुलेशन कैसे करना है, सेंचुरी में बेटा देना है 400 से भाग, है ना, भाग देना है, क्लियर।
तो सेंचुरी में हमें देखना है शेषफल। देखो कैसे करना है इसको समझ लीजिए एक बार, मैं फिर से बता रहा हूं आराम से बिल्कुल। आज पूरा समय दीजिए, कल मैं कैलेंडर और आसान कर दूंगा, पहले आज पूरा समय देख लीजिए यहां पर, क्योंकि एक बार जब अगर हम शॉर्टकट से शुरुआत से चले जाएंगे तो कल आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंचुरी में हम भाग देते हैं किससे, 400 से, जो भी सेंचुरी का मान। यहां पर हम देखते हैं शेषफल, क्लियर। शेषफल आपका क्या हो सकता है, जब 400 से आप सेंचुरी में भाग देंगे तो शेषफल आपके चार आएंगे, या तो 100, या तो 200, या तो 300, या तो 0। जब 100 आता है तो 4 लेते हैं, 200 आता है 2 लेते हैं, 300 आता है 0 लेते हैं, 0 आता है 6 लेते हैं, 420 तो आप जानते हैं पॉपुलर टर्म है ना। गणित में दो ही संख्याओं को बहुत प्रसिद्धि मिली है, एक 786 को, एक 420 को। एक का धार्मिक महत्व है और एक का सामाजिक महत्व है, क्लियर। आइए बाकी आप लोग समझदार हैं, क्लियर। अब यहां से हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे आपको इस स्ट्रक्चर को ऑपरेट करना है। बस छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, 100 आएगा तो 4। अब देखिए किन किन आपने किस 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 को देखा था, जैसे आपने कहा कि अभी जब हम कैलेंडर को पढ़ रहे थे तो आपने कहा था सर सबसे पहली यूनिट है डेट, दूसरी यूनिट है मंथ, तीसरी यूनिट है ईयर, चौथी यूनिट है लीप ईयर, और पांचवी यूनिट है सेंचुरी, और बटे आपने कह दिया 7। क्लियर। चलिए अब आप देखिए आज कितनी तारीख है बताइए। अब हम लोग अपनी कलाकारी शुरू करते हैं। आज आप बताइए कितनी तारीख है, सपोज करिए बताइए। तो आप कहेंगे सर आज 3 दिसंबर है। कितना है? 3 दिसंबर, क्लियर। तो हमने आज की तारीख लिख ली 3 दिसंबर 2019, क्लियर। आज कौन सा दिन है? तो आप कहेंगे सर मंगलवार है, लेकिन हमें दिन नहीं पता। हमें अगर मंगलवार चाहिए तो हमारे हिसाब से इस तारीख का जो रिमाइंडर है वो 3 आना चाहिए। अगर इस तारीख का रिमाइंडर शेषफल 3 आएगा तो हमारे लिए मंगलवार हो जाएगा। कैसे हम देखते हैं? अब इस तारीख को बेटा इस नजरिए से बस देखो, तारीख कितनी है 3। बेसिक चीजें सीख रहे हो तो बताओ, डेट सबसे पहले ले लिया तो हमने कहा डेट कितनी है 3। चलो प्लस मंथ, मंथ कौन सा है बताओ, दूसरी यूनिट दिसंबर, तो दिसंबर के लिए यहां से क्या लेते हैं बताओ, 6, तो दिसंबर के लिए ले लिया 6। अभी देखिए सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पहले मेरी सब समझ लीजिए। दिसंबर के लिए क्या ले लिया, 6। अब बताओ ईयर कितना है, तो मैंने बताया ईयर की संख्या क्या होती है, तो आपने कहा सर संख्या के बाद के 2 अंक, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, देखो ईयर की संख्या क्या होती है, संख्या के बाद के 2 अंक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहां पे। तो बताओ यहां पे ईयर्स की संख्या जो होगी वो आपकी, बताओ ईयर्स की संख्या क्या हो जाएगी, 19। लीप ईयर क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ा ईयर्स की संख्या में 4 से भाग देते हैं, जो भागफल होता है, हाँ जो भागफल होता है वही आपका क्या होता है बताइए, लीप ईयर होता है। तो 19 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 × 16, तो लीप ईयर कितने हो गए, 4। अब बताओ सेंचुरी, बताओ बेटा कितनी है, तो सेंचुरी आप कहेंगे 2000, तो सेंचुरी में किससे भाग देना है बताओ, 400 से, 2000 में जब 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या होगा, 0, और 0 का मतलब कितना होता है, 6, और बटे हमने कितना कर दिया बताओ, 7। बेसिक सीख लीजिए, 4 लीप ईयर। फिर देखिए सेंचुरी क्या थी, 2019, तो सेंचुरी क्या होगी, 2000 में 4 से भाग दीजिए, सेंचुरी में क्या देखना है, शेषफल, सो शेषफल क्या हो गया, 0, 0 का मतलब 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 1906 कितना हो गया बताओ, 25, और 2503 28, और 2804 कितना हो गया बताओ, 32, और 3206 कितना हो गया, 38। आपने कहा 38/7 शेषफल, व्यस्त देख लीजिए, 7×5=35, 5×35 कट गया, शेषफल कितना बचा, 3, और जब जब 3 शेषफल बचता है तो दिन कौन सा होता है, मंगलवार। तो बताओ आज का दिन कौन सा है, मंगलवार। क्लियर हुआ बताइए, क्लियर हुआ बताइए, क्लियर हुआ बताइए। अब ये और आसान होगा, अभी ये और आसान होगा, क्लियर है। हाँ, 38/7 का मतलब कितना हो गया बताओ, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया बताइए, मंगलवार। क्लियर है बताइए, फिर समझिए, क्लियर है। आइए फिर एक सवाल लेते हैं,
जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी आजादी का दिन कौन सा है, आपकी आजादी का दिन कौन सा है, तो जैसे आजाद आप हुए थे कब, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे ना आप, तो आपसे पूछा जाता है कैलेंडर में कि स्वतंत्रता का दिवस कौन सा है, स्वतंत्रता का दिवस कौन सा है, तो 15 अगस्त 1947 आप ऐसे ही याद कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार, फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था, क्लियर। लेकिन हमारी तो कैलकुलेशन में 6 आना चाहिए, शुक्रवार का मतलब हमारा कोड कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 6 आना चाहिए, है ना, अगर 6 आया तो हम मान लेंगे कि शुक्रवार है। तो अगर हम इसको निकालें 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दिन गूगल कर सकते हैं आप, शुक्रवार था, लेकिन हमारा शुक्रवार तब माना जाएगा जब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप बताओ तारीख कितनी है, बताओ 15, चलो अगस्त, अगस्त का कोड यहां से देखिए कितना होता है 3, तो सबसे पहले डेट लिखा और फिर मंथ लिखा हमने 3। अब बताओ ईयर क्या होता है, संख्या के बाद के 2 अंक, तो ईयर कितना हो गया 47। चलो लीप ईयर क्या होता है, ईयर्स की संख्या में किससे भाग लेना है, ईयर्स की संख्या में किससे भाग देना है 4 से, कितने भाग देना है 4 से, 47 में जब 4 से भाग दिया तो कितना बताओ 11 हुआ, 47 में जब 4 से भाग दिया तो कितना बचा बताओ 11 बचा, 11 के बाद भाग गया 11 चौक 44, जो भागफल है वही लीप ईयर है। अब बताओ सेंचुरी क्या है, 1900 में जब 400 से भाग दोगे तो क्या देखना है, शेषफल देखना है, 1900 में जब 400 से भाग दोगे तो 1600 कट जाएगा, 1600 कट जाएगा, और 1600 जब 1900 में 400 से भाग देने पर कट जाएगा तो बचेगा कितना बताओ, तो आप कहेंगे सर कि यहां पे बचेगा 300, और जब 300 बचता है तो कोट क्या लेते हैं बताओ 0, तो 300 बचा तो कोट क्या ले लिया 0 बटे कितना हो गया 7। अब हमारा शेषफल 6 आना चाहिए शुक्रवार के लिए, 15 3 18, अब देखो 47 3 50 और 15 65 और 65 11 कितना हो गया 76, 76 बटे 7 70 कट गया कितना बचा 6, और जब जब 6 होगा दिन कौन सा होगा शुक्रवार, शुक्र है शुक्रवार है, तो बताओ शुक्रवार का मतलब 6, तो हमारा देश कब आजाद हुआ था बताइए 6 शुक्रवार को आजाद हुआ था, क्लियर हुई बात, हाँ क्या अभी ये बात क्लियर है बताइए, क्या अभी ये बात क्लियर हुई बताएं, कोई डाउट, हाँ कोई डाउट है बताएं, क्लियर, चलिए और अभी हड़बड़ाइएगा मत, अभी सीखना है, बहुत रिलैक्स मूड में रहिए, पहले दिन की क्लास जितनी अच्छे से करेंगे अगले 3 दिन कैलेंडर में कुछ नहीं बताएगा, आप ओरल कैलेंडर हल करेंगे, पहले दिन की क्लास बस अच्छे से करिएगा, बाकी अगले 3 दिन में कैलेंडर में कुछ नहीं रह जाएगा, कैलेंडर क्लॉक की समस्या हमेशा समाप्त हो जाएगी। चलिए अब फिर और कुछ समझिए, थोड़ा सा और समझिए, अब आप बताइए क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना बर्थडे और डेट दोनों याद हो, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना बर्थडे और डेट दोनों याद हो बताए, अगर है तो बताइए, अगर है तो बताइए, बताए हाँ, नहीं बर्थडे और डेट दोनों याद हो, 6 अक्टूबर 1957, एक लोग बोलो पूरा एक साथ लिखो, बर्थडे तो सबको याद है, बर्थडे के साथ डेट भी लिखो, हाँ और सही सही लिखना, आप लोग केवल एक साथ लिखिए, कोई एक सेट में लिख दीजिए पूरा, हाँ जैसे 1 अप्रैल 1996 सोमवार, 1 अप्रैल 1996 को सोमवार था, ये लिखा शुभम मिश्रा ने, शुभम मिश्रा ने लिखा 1 अप्रैल 1996 को सोमवार था, इन्हीं का ले लेते हैं, अब देखिए सही बोल रहे हैं कि गलत है तो भगवान जाने, इन्होंने कहा 1 अप्रैल 1996 को क्या था सोमवार, तो हम लोग शुभम मिश्रा जी की डेट ऑफ बर्थ याद से वो करते हैं, चेक करते हैं, एक बार शुभम मिश्रा जी की डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं, क्लियर,
अगर शुभम मिश्रा जी सही हुए तो ठीक है, नहीं तो शुभम जी जो है सबको एक एक समोसा खिलाएंगे। तैयार है बताइए, सबने अपने बर्थडे लिख दिए है ना। चलिए, अगर शुभम मिश्रा जी का जो है सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो शुभम मिश्रा जी अगर सोमवार नहीं निकला तो सबको एक एक समोसा खिलाएंगे। तो अब हम लोग अपने समोसे के लिए जो है क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। शुभम जी देखिए अपना समोसा बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। अगर शुभम जी को इस दिन सोमवार चाहिए, उनको वास्तव में अपना बर्थडे याद है, तो उनका रिमाइंडर मंडे के लिए 2 आना चाहिए इस तारीख का, क्लियर, ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से। चलो हम लोग करते हैं, तारीख कितनी है 1 अप्रैल, बताओ क्या हो गया। तो आप कहेंगे सर अप्रैल का कोड यहां पे क्या है, 00 ले लिए। चलिए ईयर कितने हो गए, 96 हो गए। अब लीप ईयर कितने हो गए, 24। ईयर्स की संख्या में 4 से भाग, जो भागफल होगा वही क्या होगा बताओ, लीप ईयर, क्लियर है। चलिए 24 हो गए। अब बताओ सेंचुरी क्या है, 1996 और 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 300, और 300 का मतलब क्या हो गया, 0, और बटे कितना हो गया बताओ, 7। अब देखो अगर हम इसको जोड़ें तो 96 और 24 कितना हो गया, 120, और 120 और 1 कितना हो गया, 121 है ना। 121 को हमने 7 का भाग दिया, अब बताओ 7 × 7 और 5 बचा, 51 हो गया, 7 × 7 = 49, तो इसका रिमाइंडर 2 आया, और 2 का मतलब सोमवार। इसका मतलब शुभम मिश्रा जी अपने समोसे बचाने में कामयाब रहे, और 1 अप्रैल 1996 को निश्चित रूप से सोमवार था, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। क्लियर है, क्लियर हो गई बात। क्लियर है, हाँ, तो यहां पर निश्चित रूप से सोमवार था, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहां पर नहीं है। चलिए चलिए, तो यहां पर बात क्लियर हुई आपको, हाँ, सभी लोगों को क्लियर है, बताएं। इसका मतलब है कि अब अगर ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से आपको डेट्स कभी भी निकालनी होगी तो एक बेसिक कैलकुलेशन जो होती है कैलेंडर की, आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर है, आराम से आप इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, क्लियर है। चलिए एक और बात, थोड़ा सा यहां पे एक चीज करनी है, आज आप लोग इसी को केवल रिवाइज करिएगा, आगे कुछ नहीं पढ़ना, एक चीज में बस क्लियर कर दूं। देखिए जो जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं, कभी भी किसी डेट के साथ अगर ये 2 महीने लिखे हो तो एक खतरा है, समझिए क्या खतरा है। आपने कहा जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का कोड 4 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लीप ईयर हो तो इनके मान निश्चित मान से 1 कम हो जाते हैं, और लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का 3, बाकी सभी महीनों के कोड 1 समान होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। जनरल ईयर की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4 से विभाजित होते हैं उनमें जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, जैसे मैंने क्या कहा, बाकी सभी महीनों के कोड 1 जैसे होते, कहीं कोई अंतर नहीं होता। जब भी कभी जनवरी और फरवरी लिखाओ तो आपको सचेत होना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 12 जनवरी 2020, सपोज करिए, और मैंने लिखा 12 जनवरी 2019, क्लियर। अब देखो लीप ईयर का मतलब होता है कि जो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो लीप ईयर है, तो जब भी कहीं जनवरी और फरवरी आए तो आप समझ लीजिए कि खतरा है, डेंजर, सचेत हो जाए। अब हमने लिखा 12 तारीख, अब जनवरी का कोड यहां पर चूंकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड निश्चित मान से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ये जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष, क्लियर। तो यहां पे जनवरी का कोड 0 लेना है, ईयर कितने हो गए 20, लीप ईयर कितने हो गए 5 × 5 = 20, और सेंचुरी कितना हो गया 0, और 0 का मतलब 6/7, क्लियर। अब जोड़ेंगे तो 12 और 20 = 32, और 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, और 37 और 6 कितना हो जाएगा बताओ 43, 37 और 6 कितना हो गया 43, 43/7, 46, 1 बचा, और इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन था, रविवार। उसी चीज को, हाँ
उसी चीज को अगर हमने यहां पे लिखा 12 जनवरी 2019 को, तो देखो तारीख कितनी है 12, अब फिर जनवरी था लेकिन ये जनरल ईयर का जनवरी है और ये लीप ईयर का जनवरी है, ये अंतर है। तो यहां पर जनवरी जब जनरल ईयर का होगा तो कोट क्या होगा, एक, ईयर कितने हैं 19, हाँ लीप ईयर बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ 4 होगा, 4×16 और सेंचुरी कोड यहां पे भी 6 होगा और बटे 7। अब बताओ 19, 21, 12, 32 और 32 और 10, 42 और 42/7 = 0 और 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। तो बताओ इस दिन कौन सा दिन था, शनिवार। क्लियर है, हाँ इस दिन कौन सा दिन था, शनिवार था। तो हमें याद रखना है कि जब भी लीप ईयर हो, जब भी लीप ईयर हो तो यहां पर 2 महीनों के कोट केवल बदलते हैं जनवरी और फरवरी के। तो लीप जब भी जनवरी और फरवरी आए तो बस बेटा इतना याद रखना है कि जनवरी और फरवरी के कोट केवल बदल जाते हैं और जनवरी का होता है 0, फरवरी का होता है 3। ये अपने निश्चित मान से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। किस कंडीशन में, लीप ईयर, किस कंडीशन में, लीप ईयर। क्लियर हुई बात। चलिए तो आज चूंकि बहुत नहीं पढ़ाएंगे, पहला दिन था, कल से ठीक 2 बजे से आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, लगातार चल रही है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जैसे टेट वाले बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मैं लाइव इंटरेक्शन रोज नहीं कर पाता हूं, या कभी भी आपकी कोई समस्या हो तो आप एक काम कर दिया करिए, फेसबुक पर जाइए, रवि पी तिवारी करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, रवि पी तिवारी से आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 5000 की सीमा को मैं पार कर चुका हूं। आप फॉलो करके अपने संदेश को इनबॉक्स में डाल दीजिए, रवि पी डॉट तिवारी, आप इसको जो है देख लीजिए। और कोई भी बात अगर आपकी होगी तो आप संस्था से संबंधित किसी भी बात को हम तक भेज सकते हैं, फॉलो करके आपकी बात को मैं सुनूंगा, उसको इमीडिएट दूर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्लियर। बाकी प्रतिदिन मैं आपके साथ जुड़ता हूं, प्रतिदिन कल से मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। आप सभी लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप अपनी सूचना को बड़ी आसानी तक मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं आपकी पूरी बातों पर खरा उतरूंगा, कि मेरा आपसे वादा रहा, क्लियर। कैलेंडर की आज कल और परसों की क्लास जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रह के देख सकते हैं देखें, क्योंकि फिर कल परसों के बाद कैलेंडर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर आपको कैसा लगा आप बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी। कल ठीक 2 बजे मैं आपके साथ रहूंगा, तो आप सभी बैच के सदस्यों को मैं पूरी तैयारी से हिंदी की, संस्कृत की सारे प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल बनवा रहा हूं, सारे टीचर रिकॉर्ड करा रहे हैं, धुआंधार प्रैक्टिस करिए। शुभकामनाएं मेरी हमेशा आपके साथ है, कोई बात हो तो आप मुझ तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। मेरी तरफ से आपका इतना है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो है। बाकी जो शेष बात होगी उस पर फिर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और इस धुआंधार पढ़ाई की व्यवस्था में जुड़ जाएं। सभी टीचर एकदम तेजी से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं, अंतिम दिन तक मैं आपके साथ हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी के लिए अमृतसर नहीं है तो और अच्छी व्यवस्था आपसे की है, कहीं कोई समस्या नहीं है, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा फेसबुक के, क्लियर, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।